नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेडिकल जानकारी में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों कील मुहांसों के लिए क्या आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर आप भी है दोस्तों कील मुहांसे से परेशान, वैसे एक मेल और फीमेल की एज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है, जैसे कि मेल में होता है 17 से 19 और फीमेल्स में 16 से 18 के बीच में बहुत ज़्यादा फेस पर एक्ने स्टार्ट हो जाते हैं। तो क्यों होते हैं ये स्टार्ट और क्या इसका ट्रीटमेंट हो सकता है जिससे आप इसको प्रॉब्लम को हमेशा दूर रह सकते हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, पूरी जानकारी वीडियो में हम देने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि एक्ने होने का क्या कारण होता है। दोस्तों हमारे फेस में जो होते हैं कुछ ऐसी ग्रंथियां होती है जो स्वेट प्रोड्यूस करती है, यानी स्वेत बनाती है। अगर वो नॉर्मली स्वेट बना रही है तो आपकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन उनमें कभी कभी क्या होता है बहुत ज़्यादा वो स्वेट बनाना स्टार्ट हो जाता है। वो एक्चुअल में होता है क्यों है, जब उनमें कुछ विकार आ जाता है, कुछ प्रॉब्लम आ जाती है या फिर इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन या फिर स्वेट बनाना स्टार्ट कर जाता है, या फिर कहें तो जब जो हमारा एड्रोजेनी का हार्मोन्स होता है वो अधिक मात्रा में निकलना स्टार्ट हो जाता है और फेस की जो ग्रंथियां होती है वो स्वेट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, जो जीवाणु द्वारा संक्रमित हो जाता है। जीवाणु जो इसमें होता है या बैक्टीरिया जिसको कहते हैं वो होता है प्रोपियोनी बैक्टीरिया, एक्ने जिसको कहते हैं, वो इसको संक्रमित करते हैं और वो जो ग्रंथि होती है वो फुंसी का रूप लेना स्टार्ट कर देता है, जिसको हम सामान्य भाषा में एक्ने या फिर फुंसियाँ भी कहते हैं। कई लोगों को ये बहुत ज़्यादा समस्या रहती है और कई सालों तक रहती है। तो ऐसे में आपने क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए, इसके कुछ दो तरीके से इसका इलाज किया जाता है। एक होता है एक्सटर्नली होता है, एक होता है इंटरनली। यानी एक्सटर्नली में आपका आपका ऑइंटमेंट, जेल, क्रीम, ये चीज़ें आ जाती है, और ओरली में आपका ओरली मेडिसिन आ जाता है। तो दोनों तरीके से आपको बहुत ज़्यादा तरीके से आपने दोनों तरीके से इसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए, क्योंकि बाहरी तरीके से भी और अंदर के तरीके से भी आपका इन्फेक्शन दूर होना ज़रूरी है। इसके कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे आपके फेस में एक्ने स्टार्ट होने के चांसेस रहते हैं, जैसे वाइट हेड्स हो जाते हैं, ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, फेस पे दाने निकलना स्टार्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा पसीने की वजह से आपको जब भी कुछ करते हैं हल्के फुल्के दाने हो जाते हैं। आपने कभी नोटिस किया होगा कि कभी फुंसियाँ जो होती है वो बहुत ज़्यादा, एक्ने जो होता है छोटे से दाना भी हो फुंसी का रूप लेना स्टार्ट हो जाता है और फेस पर गांठें वगैरह निकलनी स्टार्ट हो जाती है, वो काले काले दाग धब्बे भी छोड़ना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में आपको ट्रीटमेंट इसमें क्या लेना चाहिए, तो सबसे पहले जो ट्रीटमेंट आता है वो होता है दोस्तों जेल आता है इसमें, एक जो आता है बेंजोइक एसिड होता है जिसमें बेंजोइल परऑक्साइड होता है, इसको फेस पर लगाना है दोस्तों और 15 मिनट तक इसको रखना है और 15 मिनट के बाद अपने फेस को वॉश कर लेना है। दूसरी जो ऑइंटमेंट आती है इसमें वो होता है रेटिनो ए आती है जिसमें ट्रेटिनोइन होता है, जो चेहरे को सुखाने के बाद लगभग एक दिन में एक बार इस क्रीम को अप्लाई करना होता है। दो याद आप रख लीजिएगा, एक होता है बेंजोइल परऑक्साइड, एक जेल होता है, इसको आपने सिर्फ लगाना है एक्ने पे, अप्लाई करना है और 15 मिनट के बाद वॉश कर लेना है, उसके बाद चेहरे को अच्छे से सुखा लेना है। उसके बाद आपने रेटिनो ए क्रीम आती है, ऑइंटमेंट आती है, उसको आपने दिन में एक बार कंटिन्यू इसी शेड्यूल में लगाना होता है। इसके साथ आपने और क्या मेडिसिन लेनी है, ओरली मेडिसिन आप ले सकते हैं, इसमें डॉक्सीसाइक्लिन आता है। डॉक्सीसाइक्लिन आपको बहुत ज़्यादा पहले से पता है कि आजकल कोविड की वजह से भी इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करवाया जा सकता था, इसको आपने लेना है डेली एक एक कैप्सूल 30 से 40 दिन यानी महीना भर तक लेना है। आपकी कंडीशन पर डिपेंड करता है कि अगर आपकी एक्ने बहुत कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आप उसकी डोजेज वगैरह कम कर सकते हैं, लेकिन 20 से 25 दिन तक इसको कंटिन्यू यूज़ में लाना चाहिए डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल्स को। अगर आपके एक्ने जो होते हैं वो पीठ पे हो रहे हैं, कमर पे हो रहे हैं, तो आपने उसमें कैप्सूल्स क्या लेना होता है, टैबलेट क्या लेनी होती है, इसमें आता है आपका एरिथ्रोमाइसिन आता है 500 mg में, आप उसका सेवन कर सकते हैं दिन में एक बार या फिर दिन में दो बार भी इसका सेवन किया जा सकता है। अगर बहुत ज़्यादा है तो सुबह शाम लीजिएगा। आपको मैं बता दूं दोस्तों, जो ऑयली स्किन वाले होते हैं उनको हमेशा जेल का यूज़ करना चाहिए फेस पे, और जो ड्राई स्किन वाले होते हैं उनको क्रीम का ही सेवन करना चाहिए, इससे उनको इन्फेक्ट नहीं होता है और प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये था कुछ दोस्तों एक्ने के लिए परमानेंट ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया है। अगर वीडियो में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर अगर कुछ पर्सनली क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे फॉलो करके मैसेज भी कर सकते हैं। ट्रीटमेंट उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, ओके बाय, टाटा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।